नमस्कार दोस्तों, फाइनली टिकटॉक को पूरे देश से बैन कर दिया गया है। ना सिर्फ टिकटॉक को बल्कि टोटल में 59 चाइनीज ऐप्स को सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। और मेरी राय में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है सरकार की तरफ से। एक आसान डिसीजन है, एक छोटा कदम है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। क्योंकि आज के दिन अगर हमें चाइना को टैकल करना है, चाइना के अगेंस्ट स्टैंड लेना है, तो ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स होनी चाहिए ये करने के लिए। इनफैक्ट मेरी राय में दोस्तों ये आज इंडिया ने किया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरा मानना है दुनिया में हर डेमोक्रेटिक कंट्री को आज के दिन ये कदम उठाना चाहिए। यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जितनी डेमोक्रेसीज हैं सबको मिलकर यही करना चाहिए जो आज इंडिया ने किया है। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि ये प्राइवेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये चाइनीज ऐप्स डेटा चुराती हैं, ये सबको पता है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आज के दिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को दुनिया का महाराजा समझती, डिक्टेटर समझती है, जो कि दुनिया की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए एक खतरा है। इन्हें लगता है इनका जो मन करेगा वो करते रहेंगे, अपने चाइनीज सॉफ्टवेयर बाकी कंट्रीज में भेजेंगे, वहां से डेटा चुराएंगे, लेकिन अपनी कंट्री के अंदर कोई और सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं आने देंगे। टिकटॉक को पूरी दुनिया में तब तक बैन रहना चाहिए जब तक चाइना के अंदर यूट्यूब, गूगल, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को फ्रीली ऑपरेट नहीं करने दिया जाता। और आपको पता है क्यों नहीं करने दिया जाता? क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन ये फ्री सोशल मीडिया इनके अंदर आएगा, फ्री स्पीच होगी लोगों के पास, फ्री मीडिया होगा, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन से इनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इन्हें पता है आज ना कल इनकी सरकार गिरेगी अगर ऐसा हो गया। आज जो इन्होंने डिक्टेटरशिप जमा रखी अपने लोगों के ऊपर, उसके पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ये है कि जो टोटल सोशल मीडिया और टोटल मीडिया कंट्रोल इन्होंने करके रख रखा है। और इसे तोड़ने के लिए, चाइनीज लोगों को अपनी आजादी दिलाने के लिए, ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स है जो किया जा सकता है। इसलिए मेरी राय में दोस्तों ये टिकटॉक को बैन करना इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि अगर दुनिया में सारी कंट्रीज ये करने लग गए तो चाइना पर प्रेशर बढ़ेगा कि चाइना अपनी कंट्री के अंदर बाकी सोशल मीडिया नेटवर्क्स को अलाउ करे, और ऐसा होगा तभी वहां पर उम्मीद जगेगी एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू होने की। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो सरकार ने बैन किया ये परमानेंट होगा। ऐसा नहीं कि सरकार यू टर्न लेके बाद में इसे फिर अनबैन कर दे। पता नहीं, भरोसा नहीं किया जा सकता। स्पेशली जो टिकटॉक का रिस्पांस आया है इस बैन के बाद, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक टेम्परेरी डिसीजन है और सरकार इसे वापस अनबैन कर देगी। इन्होंने लिखा है अपने रिस्पांस में, वी हैव बीन इन्वाइटेड टू मीट विद कंसर्न्ड गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड एंड सबमिट क्लैरिफिकेशंस। तो हम लोग बस उम्मीद कर सकते हैं कि ये परमानेंट बैन होगा और सरकार इनके बहकावे में नहीं आएगी। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। इन्होंने अपने कमेंट में, रिप्लाई में लिखा है कि टिकटॉक कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद ऑल डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स अंडर द इंडियन लॉ एंड हैज नॉट शेयर्ड एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ आर यूजर्स इन इंडिया विद एनी फॉरन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द चाइनीज गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं हमने कभी डेटा नहीं दिया चाइनीज गवर्नमेंट को। फर्दर इफ यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इन द फ्यूचर वी वुड नॉट डू सो। यानी ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में चाइनीज सरकार टिकटॉक इंडिया को रिक्वेस्ट करती है किसी यूजर का डेटा मांगने के लिए, तो ये मना कर देंगे चाइनीज सरकार को। और ये चीज दोस्तों मेरे पल्ले नहीं बैठती, मुझे नहीं लगता ये चीज सच है। और इसके पीछे रीजन है, चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ 2017 का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16। इस लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों चाइनीज कंपनीज चाहे कुछ भी कह लें, इन्हें चाइनीज गवर्नमेंट के इशारों पर नाचना ही पड़ेगा, इन्हें सीसीपी के इशारों पर नाचना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको पढ़कर बताता हूं ये लॉ क्या कहता है। आर्टिकल 14 इस लॉ का कहता है कि नेशनल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस रिक्वेस्ट रेलेवेंट ऑर्गन्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिटीजंस प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन। यानी चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर किसी भी कंपनी से कुछ रिक्वेस्ट मांगती हैं तो वो उस रिक्वेस्ट से उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा। आर्टिकल 16 कहता है कि इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स मे एंटर रेलेवेंट रिस्ट्रिक्टेड एरियाज एंड वेन्यूज, मे लर्न फ्रॉम एंड टू क्वेश्चन रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल, एंड मे रीड और कलेक्ट रेलेवेंट फाइल्स, मटेरियल्स और आइटम्स। यानी किसी भी कंपनी से ये जो चाहे वहां से वो डेटा ले सकते हैं, और ये चाइनीज लॉ कहता है। तो चाइनीज कंपनीज हमें कुछ भी कहती रहे, चाइनीज लॉ में जब तक ये लिखा हुआ है तब तक चाइनीज गवर्नमेंट इनसे ओपनली डेटा मांग सकती है, और ये मजबूर है वो करने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो उनकी कंपनी पर केस हो जाएगा। और इसी इंटेलिजेंस लॉ की वजह से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने हुआवे की 5G टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री के अंदर ऑपरेट नहीं करने दिया। यूएसए ने भी हुआवे पे बैन किया, और इनफैक्ट यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप के इन्वॉय थे यूरोपियन यूनियन को, वो तो इनफैक्ट कहते हैं कि चाइना के पास जो लॉज हैं उन्होंने ऐसे लॉज बना रखे हैं कि कोई भी चाइनीज प्राइवेट कंपनी अगर मान लो कार चला रही है और वो कार 5G नेटवर्क से कनेक्टेड है, और चाइनीज गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट आती है कि इस कार में बैठे इस इंसान को हमें मारना है, तो उस कंपनी को उस रिक्वेस्ट पे कंप्लाई करना पड़ेगा लीगली। इस तरह के एग्जांपल्स यूज किए यूएसए में दिखाने के लिए कि कितना खतरनाक है चाइनीज प्राइवेट कंपनीज को बाकी कंट्रीज में अलाउ करना।
हांगकांग में क्या चल रहा है इस पर भी मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि ये भी काफी रिलेटेड है। वहां पर चाइनीज सरकार ने एक नया सिक्योरिटी लॉ पास किया परसों, जो कि हांगकांग में जितनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी है उसे पूरी तरह से दबाकर खत्म कर देता है। इस लॉ में लिखा गया है कि एनी एक्ट ऑफ सिसेशन, सबवर्जन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, टेररिज्म एंड कोल्यूजन विद फॉरेन और एक्सटर्नल फोर्सेज मे इनवाइट फुल लाइफ इंप्रिजनमेंट। आसान भाषा में कहूं तो जो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है इनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उसे या तो ये मेनलैंड चाइना में बुला के पनिशमेंट दे सकते हैं या फिर ये लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट दे सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होना, इस जो डेफिनेशन है इसकी, ये इनकी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर है। कौन एंटी नेशनल है, कौन नेशनलिस्ट है, ये खुद डिसाइड करेंगे और उसके उसके हिसाब से किसी को जेल भेज सकते हैं। इनफैक्ट कोई नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी कर रहा है हांगकांग में डेमोक्रेसी मांगने के लिए, उसे भी ये उठा के लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए भेज सकते हैं एंटी नेशनल डिक्लेयर कर। वैसे सुना सुना लग रहा है ना ये आपको, ये जो सारा नेशनलिस्ट एंटी नेशनल का गेम है, ये सब इन पॉलिटिकल पार्टीज की नौटंकी होती है फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी दबाने की, कि जो हमें पसंद नहीं आता उसे एंटी नेशनल की कैटेगरी में डाल दो। इंडिया में भी ऐसा ही होता है और कम्युनिस्ट पार्टी भी ऐसा ही कर रही है। जो जो इनके ऑपोजिशन में बोलेगा, इनकी करप्शन और इनके बाकी कारनामों के खिलाफ आवाज उठाएगा, उनको एंटी नेशनल डिक्लेयर किया, डालो इन्हें जेल में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज इनके नए सिक्योरिटी लॉ के बारे में ये है कि ये ना सिर्फ चाइनीज लोगों पर वैलिड है, हांगकांग के लोगों पर वैलिड है, बल्कि फॉरेन सिटीजन्स पर भी वैलिड है। यानी आप चाइना से बाहर बैठे इंडिया में चाइनीज सरकार को गाली दोगे तो ये कहेंगे एंटी नेशनल है, अगली बारी जब भी आप चाइना में आओगे आपको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। मतलब मैंने प्लान बनाए थे, मुझे बड़ा मन था हांगकांग में जाने का, लेकिन अब मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल हो सकता है। आपने कभी भी चाइना को क्रिटिसाइज किया हो किसी भी तरह से, तो कोई फायदा नहीं अब चाइना जाने का, हांगकांग जाने का, क्योंकि ये लॉ बड़ा खतरनाक है, सब पे एप्लीकेबल है। In many ways, almost every aspect of Hong Kong life will change from now on. Even its non-violent acts can be considered to breach national security. और एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस लॉ का ये है कि हांगकांग में दोस्तों इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होती थी। ये मान लो चलो चाइनीज सरकार ने कह दिया कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हम इसे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट में तो जाती है चीज, लेकिन इन्होंने उस चीज को भी बायपास कर दिया है। अपने नए लॉ में लिखा है कि जो जुडिशरीज इस पे जजेस इसे देखेंगे कि ये लॉ एक्चुअली में एप्लीकेबल है नहीं है, उन जजेस को भी सेलेक्ट करने वाले लोग ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होंगे। मतलब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी खत्म कर दी, तो ये भी उम्मीद नहीं बचती इन लोगों के लिए, हांगकांग में रहने वाले लोगों के लिए, कि चलो लॉ से अरेस्ट हो रहे कम से कम ये कोर्ट हमें बचा लेंगे, नहीं हो सकता वो भी। इस नए लॉ के आने के बाद नेटो, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इन सब ने इस लॉ को कंडेम किया है। इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम ने पहले कहा था कि अगर चाइना ये लॉ पास कर देता है तो हम सारे हांगकांग सिटीजन्स को यूके की सिटीजनशिप लेने का मौका देंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे अपनी कंट्री में। ताइवान जो कि नेबरिंग कंट्री है उसने भी अपने दरवाजे खोल लिए हैं प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के लिए। जो भी लोग हांगकांग से ताइवान के अंदर आना चाहते हैं वो फ्री हैं। इनफैक्ट ताइवान की सरकार ने असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने के लिए प्रॉमिस किया है अलग अलग तरीकों से इन प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के लिए। द मोस्ट ट्रेजिक थिंग इज फॉर द यूथ, आई एम 72, आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, यू नो, टू फेस a place without the rule of law, but those young people, they have to face a future without the protection of rule of law. बहुत से protesters इस law के आने के बावजूद भी अपनी बात पर डटे हुए हैं और इन्होंने 1 जुलाई को protest march निकाली इस law के आने के बाद भी। यानी पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट भी किया anti-national declare करके, लेकिन फिर भी protest जारी हैं। मुझे लगता है यहां पर बहुत जरूरी है कि इंडिया भी सपोर्ट जताए अपना हांगकांग के लोगों के साथ और इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग तरीके सोचे कि किस तरह से हम हांगकांग के लोगों की मदद कर सकते हैं और चाइना पर प्रेशर बना सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये जो टिकटॉक को बैन किया है ये बस फाइनल, फुल एंड फाइनल आखिरी स्टेप थी, जैसे हमारे कुछ मीडिया में लोग बताने लग रहे हैं कि बस भाई ये तो डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, बात खत्म, इशू खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना यहां पर रुकने वाला नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं चाइना बॉर्डर में भी इंट्रूजन्स करे जा रहा है, अभी इस पर भी अपडेट देता हूं मैं आपको, हांगकांग में जो सिचुएशन है ये भी होने लग रही है, तो और बहुत कदम हमें अभी उठाने पड़ेंगे। ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स कंसिडर की जानी चाहिए। बॉर्डर इंट्रूजन्स की अगर बात करें तो चाइना ने भूटान के साथ एक नया बॉर्डर डिस्प्यूट चालू कर दिया है। भूटान के अंदर एक एरिया होता था, चाइना क्लेम कर रहा है कि अब वो हमारे अंडर आता है। मतलब एक नई कंट्रोवर्सी यहां पर चाइना क्रिएट करने लग रहा है। और इंडिया की अगर बात करें तो जो अजय शुक्ला जी ने हमें इस वीडियो में बताया था,
कि चाइना ने कितने इंडिया क्लेम लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है, जो बाकी प्रूफ्स निकल के आ रहे हैं हमारे पास, सैटेलाइट इमेजेस आने लग रही हैं, वो दिखा रही हैं कि जो भी इस वीडियो में बताया गया था वो सच था। इंडिया ने काफी सारा लैंड जो इंडिया क्लेम करता था वो चाइना के हाथों में चला गया। जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उन्होंने दिखाया कि परमानेंट स्ट्रक्चर्स अब आ गए हैं फिंगर 4 और फिंगर 8 के रीजन के बीच में। इनफैक्ट चाइना ने अपना एक नक्शा भी ड्रॉ किया है वहां पर, जो सैटेलाइट इमेजेस से दिख रहा है, और कुछ लिखा भी है वहां पर चाइनीज में, जो बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि ये रीजन अब हमारे अंडर आता है। मुझे लगता है यहां पर सबसे पहली चीज तो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए जनता के सामने कि इंडिया ने कुछ एरिया लूज कर लिया है अपना चाइनीज के हाथों में, ताकि कम से कम लोगों को सच्चाई तो पता चले यहां पर, और फिर हम साथ में सोच सकें कि क्या और एक्शंस लिए जा सकते हैं चाइना के खिलाफ। और जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, इंडिया को बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा चाइना को सबक सिखाने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए यहां पर। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, आपको क्या लगता है और किन तरीकों से चाइना को यहां पर काउंटर किया जा सकता है, बिना मिलिट्री वाइज जंग पर जाए, वॉर पर जाए, हांगकांग को बचाया जा सकता है और चाइनीज सिटीजन्स को आजादी दी जा सकती है? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी राय बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक छोटा सा मैसेज मैं यहाँ पर टिकटॉकर्स के लिए देना चाहूंगा, वो टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर्स जो टिकटॉक पर इतने सालों से मेहनत करके अच्छा कंटेंट बना रहे थे, क्वालिटी कंटेंट बना रहे थे, और एक दिन ऐसा आता है कि एक डिसीजन लिया गया और पूरी ऐप बैन हो गई और आपको लगेगा कि आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली गई। मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा होगा, मैं इमेजिन कर सकता हूं ऐसा कभी यूट्यूब के साथ हुए तो मुझे कितना बुरा लगेगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, आपका जो टैलेंट है, आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो किसी प्लेटफॉर्म से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो टैलेंट आपका यहां पर है। आज टिकटॉक बैन हुआ है, आप यूट्यूब पर आइए, इंस्टाग्राम पर आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, उतना ही प्यार आपको ऑडियंस से मिलेगा जितना वहां पर मिलता था। इनफैक्ट अगर एक टिप देना चाहूं मैं आपको, आपने जो भी आपके जो भी बेस्ट टिकटॉक वीडियोस थे जो आपने पिछले सालों में बनाए थे, उनको आपने कहीं पर सेव करके रखा होगा, उन्हें रीअपलोड कीजिए इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ताकि जितनी मेहनत आपने करी वो वेस्ट ना जाए, आपको क्रेडिट मिल सके उस काम का जो आपने किया है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेलकम है सारे टिकटॉकर्स के लिए, आइए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और अपना टैलेंट दिखाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।